आप सब जानते हैं कि तेलंगाना में इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, 30 नवंबर को पोलिंग है। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषित करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी, जिसका चेयरमैन मैं हूं, कन्वीनर जफर जावेद जी है और उसके मेंबर हमारे हाजीपेट के दरगाह के खुसरो पाशा साहब हैं। तो हम और काफ़ी मेंबर्स मिलकर बहुत मेहनत करे और लगभग 132 ऑर्गेनाइजेशन से हमने मिले और लगभग 200-250 लोग हमको मेल के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन भेजा है। वो तमाम करने के बाद हम एक ड्राफ्ट कमेटी को PCC और AACC को दे रहे हैं। उसके अंदर अहम मुद्दे हम जो तकरीर कर रहे हैं, उसमें अहम मुद्दा हमारा ये है कि मुसलमानों को सबप्लान दिया जाए, तो माइनॉरिटी सबप्लान पहला हमारा मुद्दा है, रिकमेंड कर रहे हैं हम लोग। और माइनॉरिटी सबप्लान के बाद 5,000 करोड़ का ये साल का बजट होगा, 2023 और 24 का बजट, पहला बजट हमारा 5,000 करोड़ से बजट शुरू होगा। उसके साथ साथ और ये सबप्लान का मकसद ये है कि जो बजट हम देते हैं अगर वो खर्च नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के बजट में कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, तो उसका जो बच गया सो अमाउंट आने वाले बजट में मिलाकर देना पड़ता है। हम 5,000 करोड़ दिए, 4 खर्च हुआ, 1 खर्च ना हुआ तो 1 करोड़ रुपया फिर से 101,000 करोड़ रुपया पुराने बजट में मिलाकर नया दिया जाएगा, उसको कहते हैं सब प्लान। उसी तरीके से मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा, अमित शाह ने और किशन रेड्डी ने बाजाब्ता पब्लिक मीटिंग में ऐलान किए कि यहाँ BJP की सरकार आएंगी तो हम 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा बर्खास्त कर देंगे। और हम उम्मीद कर रहे थे कि उसके ऊपर KCR साहब जवाब देंगे, गए भाई होम मिनिस्टर तुम कौन होते, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, हम बात करेंगे, हम देंगे। लेकिन वो डरपोक आदमी हमारे CM साहब ने दुम दबा के भाग गए, उसका जवाब भी नहीं दिए ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका जवाब दिया कि। लेकिन फिर वही कांग्रेस पार्टी ने दंगल में आए, मुकाबले पे आकर कहे कि अमित शाह आपने, आपके ऊपर से कोई और भी आ गए तो भी ये रिजर्वेशन को आप समाप्त नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने 16-17 साल से ये केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी डबल ट्रिपल नहीं, 5 जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं, दस्तूरी बेंच, उसके सामने ये पेंडिंग है। तो जब तक दस्तूरी बेंच में पेंडिंग है, कोई भी नहीं, ना प्रधानमंत्री को हक है ना CM को हक है ये रिजर्वेशन ख़त्म कर सके। अब रहा वो रिजर्वेशन को कानूनी तौर पर फुल लड़ेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं नहीं, कानूनी पहलुओं पर मुआयना करने के बाद उसके ऊपर हम देखेंगे। अब रहा इमाम की तनख्वाह और मौज़न की तनख्वाह और दरगाह के खादिमीन के लिए हमने 10,000 रुपये इमाम साहब को और 10,000 रुपये खादिम को दरगाह के और 8,000 रुपये मौज़न के लिए हम रिकमेंड किए हैं कांग्रेस पार्टी को कि हमारे मंशूर में इसको शामिल करो। इसी तरीके से जो लोग बेघर हैं, जिसके पास मकानात नहीं है, सबसे ज़्यादा घरों में किराए में रहने वाले अगर कोई है तो मुसलमान ही है, क्रिश्चियन है, सब किराए के मकान में रहते, ज़ाती मकानात नहीं है लोगों, ये सोचकर हुकूमत ने जो बेघर है और जहाँ अपनी ज़मीन है बनाना चाह रहे तो 5 लाख रुपये देंगे। अगर ज़मीन नहीं है तो जब भी हुकूमत जहाँ भी ज़मीन अवेलेबल मिलेगी प्लाटिंग करेंगे, उस प्लाट के अंदर ज़मीन भी फ्री और 5 लाख रुपये भी फ्री, दोनों चीज़ें हुकूमत उनको मुहैया करेगी जो बेघर लोग हैं और BPL के हाउस होल्डर्स हैं। इसी तरह कब्रस्तानों के अंदर बहुत बड़ा मसला है, म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर पुराने कब्रस्तान कब्जे हो रहे हैं या नहीं तो उसमें गलाजत हो रही है, तो उसकी हिफाजत करेंगे और नए कब्रस्तान देने के लिए क्रिश्चियन के लिए और मुसलमानों के लिए ये कमेटी रिकमेंड कर रही है कि जहाँ अवेलेबल ज़मीन है वहाँ हर म्यूनसिपालिटी में, हर गांव में जहाँ मुस्लिम आबादी है, जहाँ रिक्वेस्ट आया वहाँ कब्रस्तान की ज़मीन हुकूमत मुहैया करेगी, फ्री मुहैया करेगी, और जो ज़मीन अब है उसकी हिसारबंदी करके प्रोटेक्शन करेगी। और अगर लड़ रहे जो लोग लड़ रहे हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है
तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से उनको अदालतों में केस लड़ने के लिए, वो खाबिजीन के खिलाफ लड़ने के लिए माली मदद भी उनको करेगी। उसके बाद ख्वातीन के लिए आपको तो मालूम है 4,000 रुपये पेंशन ओल्ड एज सबके लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, क्रिश्चियनों के लिए भी है, और 2,500 रुपये हर खातून को जो शादीशुदा खातून है ओल्ड एज होने तक की उम्र में, जितने भी खातून हैं उन सबको बालिहाज मज़हब मिलत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर हमारी बहन को, हमारे बच्चियों को 2,500 रुपये का हर महीना उनको वजीफे के तरह माली मदद की जाएगी। उसके साथ साथ हमको RTC बस में ख़वातीन को फ्री फिरने का पूर्व के लिए है। तेलंगाना में हर मज़हब वालों को बस का टिकट नहीं, खातून है तो बस है, अगर लेडीज़ है तो बस है, मज़हब नहीं है इसमें। उसके साथ साथ 200 करंट का यूनिट, आज करंट से बहुत परेशान है गरीब बेचारे, घर में 300 400 500 यूनिट आ रहा, 2000 2500 का बिल आ रहा, ऑटो रिक्शा चलाने वाले भाई के पास हो या मजदूरी करने वाले हमारे भाई के पास हो, उतना किराया नहीं दे सक रहे वो लोगों, करंट का बिल नहीं बन सक रहे, एक तरफ किराया बनना, दूसरे तरफ करंट का बिल बनना, पानी का बिल बनना, ये बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ऑलरेडी अमल हो रहा है 200 यूनिट फ्री करंट, 200 यूनिट हर एक के लिए 200 यूनिट फ्री करंट देंगे। और भी हम सब प्लान के अंदर खवातीन के लिए, वफ़ की जायदादों के लिए और दूसरी चीज़ों में जो 5,000 करोड़ का जो बजट है उसका एलोकेशन होगा स्कीम वाइज, कि हर साल हम 1,00,000 बच्चों को, अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों को, और उनको लोन देंगे, और 1,00,000 बच्चों के करीब करीब उनको 3,00,000 से 5,00,000 रुपए तक का उनको लोन देने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए वो अपने आप को तरक्की करने के लिए 3,00,000 से 5,00,000 का रिकमेंडेशन हम लोग करे हैं। ये तमाम हाईकमांड सोच के हमारे रिकमेंडेशंस के ऊपर फिर वो हमारा जो मेन मैनिफेस्टो आएगा, मंशूर आएगा, उस मंशूर में सबके लिए होगा, तेलंगाना के आवाम में, उसमें माइनॉरिटी का भी मंशूर का अलग से एक पेज होगा।